श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों यदि आपका धन गलत जगह मतलब कोर्ट कचहरी में या बीमारी में बस इन्हीं जगह लग रहा हो, या फिर आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, आपका व्यापार आज सही नहीं चल रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो कल सफला एकादशी पर करें यह उपाय। एकादशी के दिन गंगा के जल में 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि गुरुजी के आने वाले उपायों की वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। जय श्री महाकाल।